बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको साइड सीम डिज़ाइन बनाना बताएंगे। उसके लिए हमें लूप्स की ज़रूरत होगी जो कि हम कपड़े से बना लेंगे। चलिए डिज़ाइन को शुरू करते हैं। पहले आपने फ्रंट्स पर निशान लगा लेना है, क्योंकि जो सिलाई का निशान होता है वो शर्ट की उल्टी तरफ होता है, तो आपने जो सीधी तरफ है उस पर निशान लगा लेना है। चौकों तक निशान लगाइए और चौक से लेकर नीचे तक इस्त्री से क्रीज बना लीजिए। और उसके बाद आपने स्केल की मदद से दो दो इंच के फासले पर मार्क कर लेना है जहाँ पर हम लूप्स लगाएंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पोस्ट को शेयर कीजिए। ये निशान आपने नीचे दामन तक लेकर जाने हैं। ये हमारी लॉन्ग शर्ट है जिसकी लंबाई तकरीबन 49 इंच है। कपड़े के लूप्स बनाने, लूप डोरी बनाने का तरीका हमारे चैनल पर मौजूद है। इसके लिए आपको काफ़ी सारी डोरियां बनानी होंगी। सुई की मदद से भी आप सीधा कर सकते हैं और लूप टर्नर की मदद से भी सीधा कर सकते हैं। अब ये लूप्स आपने जो निशान लगाए हैं उस पर रखकर सिलाई करें। लूप पे जो सिलाई वाला निशान आता है उसे आप ऊपर की समत रखिएगा ताकि जब वो पलटेंगे तो वो सीधे हो जाएंगे। अच्छा, इसमें हम बगल से लेके चौकों तक इस पे बटन लगाएंगे, तो इसमें आप लूप्स का रुख अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या तो आगे की तरफ रख लें या पीछे की तरफ रखें। हमने एक डिज़ाइन बनाया था, उसमें हमने लूप्स का रुख आगे वाले पार्ट पर रखा था और बगल से लेकर नीचे दामन तक बटन लगाए थे, लेकिन इसमें हम सिर्फ चौक तक बटन देंगे, तो इसमें हम लूप्स का रुख जो है वो पीछे की तरफ रखेंगे। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। बनाना बहुत ही आसान। ये देखिए सारे लूप्स कच्चे हो गए हैं यहाँ पर। अब हमने इसके ऊपर बैक पार्ट रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है जहाँ पर सिलाई आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें आप। इस साइड की सिलाई लग गई और यहाँ पर हम फिनिशिंग पट्टी लगा लेंगे। ये हमारी शर्ट बनकर रेडी है। इसमें साइड में ये बटन भी मौजूद हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।